सेमीफाइनल नहीं बल्कि अब सीधा T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल खेलेगी टीम इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे, सेमीफाइनल का पड़ाव भी तो पार करना है इंग्लैंड से, साल 2022 T20 वर्ल्ड कप का बदला भी तो लेना है टीम इंडिया को, जैसे ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 की फाइनल की हार का। ठीक है दोस्तों, एक बात तो यहाँ पर सामने आ चुकी है कि देखिए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है और सेमीफाइनल टू खेलेगी टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि सेमीफाइनल टू में अगर आप देखें तो A1 यानी ग्रुप ए की नंबर वन जो टेबल टॉपर टीम होती है वो वर्सेस B2 यानी ग्रुप बी की दूसरे नंबर की टीम खेलती है। और अगर आप बात करें तो अपने ग्रुप में टेबल टॉपर है टीम इंडिया ऑब्वियसली, और अगर आप दूसरे ग्रुप की बात करें बी ग्रुप में जो सेमीफाइनल के अंदर एडवांस करी है इंग्लैंड की टीम, वो अपने ग्रुप में यानी ग्रुप बी में दूसरे नंबर की टीम है और सेमीफाइनल टू खेलेगी इसी वजह से टीम इंडिया। और सेमीफाइनल टू होना कहाँ है उसकी बात करते हैं सबसे पहले, वो मुकाबला होना है गयाना में जहाँ पर हैं 80% बारिश के चांसेस, और हो सकता है कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो सेमीफाइनल टू होगा वो मुकाबला पूरे तरीके से धुल भी जाए और बारिश पूरा का पूरा मुकाबले में खलल डाल के मुकाबला अबैंडन कर दे। पर लेकिन ऐसे में क्या होगा, आप सब सोच रहे होंगे कि सेमीफाइनल टू के लिए भी तो रिजर्व डे होगा जैसे सेमीफाइनल वन के लिए। सेमीफाइनल वन जो है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का पूरे तरीके से तय हो गया, उस मुकाबले के लिए रिजर्व डे है, पर लेकिन सेमीफाइनल टू के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं है। इसके बीच में यहाँ पर ICC का एक नियम आता है, वो मैं नियम आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से इंडिया सेमीफाइनल ना भी खेले सीधा फाइनल में एडवांस कर जाएगी और सेमीफाइनल नहीं खेलने पर कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधा फाइनल में पहुंच जाएगी टीम इंडिया। पर लेकिन अगर आप इवन ICC के इस नियम की बात करें कि अगर मान लीजिए रिजर्व डे नहीं भी होता पर लेकिन 250 मिनट दिए गए हैं एक्स्ट्रा, अगर मान लीजिए बारिश रुक भी जाती है तो कुछ ओवर्स का मुकाबला होने के लिए यानी रिड्यूस्ड ओवर्स का मुकाबला होने के लिए एक्स्ट्रा 250 मिनट उस मुकाबले के लिए दिए जाएंगे, पर लेकिन रिजर्व डे नहीं होगा सेमीफाइनल टू में। तो साथ ही साथ एक और चीज़, अभी ICC के नियम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ICC का नियम ये है कि इन केस रिजर्व डे नहीं होता तो जो टीम यानी A1 टीम इंडिया है अपनी जो पूरी टेबल है ए टेबल में, ग्रुप ए की टेबल में बेसिकली वो है टेबल टॉपर और उनका नेट रन रेट भी बहुत शानदार है इंग्लैंड से। इंग्लैंड की टीम की बात करें यानी B2 टीम की, जिससे A1 वर्सेस B2 मुकाबला होना है सेमीफाइनल टू, तो B2 इंग्लैंड की टीम है और इंग्लैंड अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पे है और जो नेट रन रेट है वो इंडिया से ऑब्वियसली कम है, पर इसमें नेट रन रेट का ज़्यादा कोई जोर नहीं है, इतना नेट रन रेट का लोचा नहीं है, इंडिया क्लियरली टेबल टॉप कर रही, तो सीधा अगर मान लीजिए बारिश से मुकाबला धुल भी जाता है, मुकाबला होता भी नहीं है, जो एक्स्ट्रा 250 मिनट रहते हैं उसमें भी बारिश आती रहती है, तो इंडिया सीधा सीधा क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पर टीम इंडिया सेफ पोजीशन में है। मुकाबला होता है इंग्लैंड के खिलाफ तो और भी बढ़िया चीज़ भाई, टक्कर का मुकाबला होगा, बहुत चीज़ें होंगी, पर लेकिन मुकाबला नहीं भी होता, बारिश से धुल जाएगा तो इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगी। और मैं जानता हूं आधी जनता यही प्रे करेगी इंग्लैंड को यानी इंग्लैंड के खिलाफ लड़ने से पहले के भाई के बारिश हो जाए हम सीधा फाइनल में पहुंच जाएंगे। इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आपको ये नियम पता था, मुझे लगता है आधी जनता को पता होगा पर जिनको नहीं पता था ये बहुत फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन है उनके लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।